आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना सेकेंड यूनिट, दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो जो आप पढ़ने वाले हो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसके अलावा बहुत सारे एटम के मॉडल देखोगे, डाल्टन की थ्योरी देखोगे, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखोगे, एक्स्ट्रा इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन वगैरह ये सब जो है वो इसमें आप पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जो है सबसे पहले की थी जे.जे. थॉमसन ने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। तो इसने क्या किया था, ये जो आपके पास ये ग्लास की इसको कहते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। नाइन्थ क्लास में पढ़ा होगा, एक ट्रांसपेरेंट सी ट्यूब होती है, एक साइड से जो है वो मेटल इलेक्ट्रोड होता है, दूसरी साइड से भी मेटल इलेक्ट्रोड होता है, लेकिन यहाँ पे मैंने लिखा है परफोरेटेड एनोड। परफोरेटेड एनोड का मतलब होता है कि एक मेटल है लेकिन उसके अंदर क्या है बहुत सारे छेद जो है वो किए गए हैं, ठीक है। तो दोनों को जो है हमने बैटरी के साथ कनेक्ट किया, अभी 10,000 वोल्ट हमने जो है वो दे रहे हैं। इसके अंदर क्या है बहुत सारी गैस जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे वैक्यूम पंप है, वैक्यूम पंप का काम क्या होता है कि ये गैस को सक करता है इन ऑर्डर टू रिड्यूस द प्रेशर इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब। सो और क्या होता है यहाँ पे, इस एनोड के पीछे जो है फ्लोरेसेंट मटीरियल होता है, सपोज जिंक सल्फाइड। इस फ्लोरेसेंट मटीरियल क्या होता है, ऐसा मटीरियल जिसके ऊपर अगर कोई सब्सटेंस हिट करता है तो वो क्या करता है स्पार्क प्रोड्यूस करता है, वो शाइन करता है। इस फिनोमेनन को कहते हैं फ्लोरेसेंस, ठीक है। अब होता है क्या है, इसने क्या किया थॉमसन ने, इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस ली, दो इलेक्ट्रोड ली, एनोड में जो है थोड़े से जो है वो क्या कर दिए होल्स कर दिए, इसी के पीछे फ्लोरेसेंट मटेरियल जो है वो क्या कर दी कोटिंग लगा दी, और इन दोनों को कनेक्ट कर दिया किसके साथ, बैटरी के साथ। अब इसने क्या किया, 10,000 वोल्ट की एनर्जी जब इसने जो है इस डिस्चार्ज ट्यूब को जो है वो प्रोवाइड की, तो इसने देखा कि कुछ तरह की रेल जो है वो निकल रही है और वो ट्रेवल कर रही है फ्रॉम कैथोड। पता कैसे चला इसको, कॉन्टिन्यूसली क्या होने लगा, ये जो फ्लोरेसेंट मटेरियल है ये जो है वो शाइन करने लगा, ठीक है। इसका ये मतलब है कि अगर फ्लोरेसेंट मटेरियल जो है वो शाइन कर रहा है, इसका ये मतलब है कि कोई तो ऐसी चीज है जो कॉन्टिन्यूसली जो है वो इसके ऊपर हिट कर रही है। अब अगर हिट कर रही है इसका वो आ कहां से रही है, अब चूंकि एनोड है इसका ये मतलब है कि जो चीज आ रही है वो कहां से आ रही है, वो कैथोड से आ रही है। अब कैथोड से जो है कैथोड के ऊपर चार्ज नेगेटिव है, नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा है, एनोड के ऊपर चार्ज पॉजिटिव है, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ है। तो चूंकि ये जो आपके पास जो उसको रेज दिख रही है कि कोई ना कोई चीज जो है वो आ रही है और वो कंटिन्यूअसली स्ट्राइक कर रही है किसके ऊपर, फ्लोरेसेंट मटेरियल के ऊपर, तो इसने बोला कि शायद ये जो रेज आ रही है ये कैथोड से आ रही है, और इसको इसने नाम क्या दे दिया, कैथोड रेज दे दिया, ठीक है। तो एक बार फिर से सुन लो, बोल किया क्या इसने कि इसने जो है ये जब सेटअप किया, इसे जब 10,000 वोल्ट की एनर्जी जो है इसको दे दी, इसको लगा कि कंटिन्यूअसली एक रेज जो है वो स्ट्राइक कर रही है फ्लोरेसेंट मटेरियल के ऊपर। अब चूंकि उसको ऐसा लग रहा था कि वो रेज जो है वो कैथोड रेज, कैथोड से जो है वो निकल रही है, इसलिए उसे नाम दे दिया इसको क्या, कैथोड रेज। तो उसके हिसाब से ये था कि कैथोड रेज जो होती है वो कहां से, कैथोड से जो है वो एमिट हो रही है, ठीक है। अब इसमें क्या था कि कुछ प्रॉपर्टीज कैथोड रेज, अब यहां से अभी तक मैं इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो है वो आई नहीं, कैथोड रेज जो है वो कॉन्टिन्यूसली जो है इसने प्रॉपर्टी जो इसकी नोटिस की, पहले इसकी क्या थी, दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये पता कैसे चला, कोई भी अगर चीज जो है वो अगर हमारे ऊपर स्ट्रेट लाइन में कोई भी चीज जो है वो अगर चल रही होती है, उसका जो शेडो, अगर कोई भी आप उसके ऊपर लाइट आती है उसका शेडो जो है उसके पीछे बनता है, और वही चीज यहाँ पर भी हो रही थी। अब अगर इसके अंदर से कोई भी चीज जो है वो रखी, हम उसके कोई छोटे छोटे पैडल वेज रखे, तो ये जो कैथोड रेज है जब उनके ऊपर स्ट्राइक कर रही थी उनका शेडो ठीक उनके पीछे बन रहा था, इसका ये मतलब है कि कैथोड रेज जो है वो ट्रेवल कर रही है किसके, स्ट्रेट लाइन से। दूसरी चीज, ये जो कैथोड रेज है उनके ऊपर जो चार्ज है वो क्या है, वो नेगेटिव चार्ज है। ये कैसे पता चला, अब चूंकि वो जो जो आपकी रेज है ये कैथोड से लेके एनोड की तरफ जा रही है, एनोड के ऊपर जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है, अब पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट वही होगा जिसका चार्ज नेगेटिव होगा, इसमें हम कंक्लूड कर रहे हैं दैट कैथोड रेज जो है उनके ऊपर चार्ज क्या है, नेगेटिव। तीसरी चीज क्या है, दैट दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कैसे पता चला, इससे यहाँ पर क्या है छोटे छोटे जो है वो पैटर्न भी रखे, तो जब इसने 10,000 वोल्ट की एनर्जी जो है वो पास की तो ये जो पैडल व्हील्स थे ये क्या होने लगे, ये मूव करने लगे। अब मूव वही करेगा जी, इसका मतलब इसके ऊपर कोई ना कोई चीज है वो स्ट्राइक कर रही, इसका ये मतलब है कि ये जो कैथोड रेज है जो यहाँ से चल रही है जो इनको हिला रही है, इसका मतलब इनके ऊपर जो है इनके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। दूसरी चीज, ये जो कैथोड, ये कैथोड रेज है ये किससे बनी है, ये स्मॉल पार्टिकल्स से मिलकर बना, चूंकि काइनेटिक एनर्जी जो होती है 1/2 mv², इसके अंदर जिस चीज के पास जो है वो काइनेटिक एनर्जी होगी ऑब्वियसली बात है उसके पास मास भी होगा। That means, ये जो कैथोड रेज है ये किससे बनी है, छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनी। इसके अलावा दैट दे प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस, आपको मैंने स्टार्ट लेक्चर में ही बोला था, कैथोड रेज है जब जिंक सल्फाइड के ऊपर स्ट्राइक करती है इनको क्या करती है, कॉन्टिन्यूसली इसको
शाइन करते हैं। इसका ये मतलब है कि ये जो कैथोड रेज है ये क्या करती है, ये फ्लोरेसेंस जो है वो प्रोड्यूस करती है। और लास्ट इसमें एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये भी है दैट जो कैथोड रेज है दे डिपेंड अपॉन, दे डू नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस एंड मटीरियल ऑफ इलेक्ट्रोड। आप यहाँ पे कॉपर रॉड रखो, कार्बन रॉड रखो, कोई भी रॉड रखो, ठीक है, कोई सी भी गैस रखो, नाइट्रोजन रखो, हीलियम रखो, हाइड्रोजन रखो, कोई सी भी गैस अंदर रखो, कोई सा भी यहाँ पे इलेक्ट्रोड लो, ये जो कैथोड रेज है इनकी जो प्रॉपर्टीज है ये चेंज नहीं होती है। इसका ये मतलब है दैट कैथोड रेज जो है वो क्या होती है, वो फंडामेंटल है। फंडामेंटल का मतलब ये होता है कि कैथोड रेज जो है जो भी ये चीज प्रेजेंट है ये हर एक चीज में जो है प्रेजेंट है, चाहे वो कोई सी भी गैस हो, कोई सा भी मटीरियल हो, ये सब के सब जो है उसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसका इस चीज का मतलब होता है फंडामेंटल। अब एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं E by M रेशियो, चार्ज अपॉन मास रेशियो, और इनके लिए होता है 1.75 × 10^11 कूलम्ब पर केजी लिख सकते हैं, कूलम्ब पर ग्राम लिख सकते हो। कैथोड रेज के लिए ये जो होता है ये फिक्स होता है, इसीलिए बोलते हैं दैट कैथोड रेज आर फंडामेंटल। अब कैथोड रेज जो है बनी कैसे, क्या सच में कैथोड रेज जो है वो कैथोड से निकली? आंसर इज नो। तो कैथोड रेज निकली कहां से, बनती किससे है, ये इसके अंदर प्रेजेंट है गैस और ये बनती ही है आयनाइजेशन ऑफ गैस। सपोज करो कि मैंने यहां पर क्या लिया, मैंने बोला कि यहां पर आपके पास जो है वो चार पांच गैस के जो है वो पार्टिकल्स प्रेजेंट। सपोज करो मैंने लिया एक पार्टिकल, ये सेकंड है, थर्ड है, और ये इधर एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, ये चार गैस पार्टिकल्स इस कैथोड ट्यूब के अंदर है। एक प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं आयनाइजेशन। आयनाइजेशन प्रोसेस का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसियस एटम। ये ऑलरेडी गैस है, ठीक है, और गैस जो है प्रेफर करती है दूर दूर रहना, इसका मतलब वो आइसोलेशन में है, किसी के साथ जो है वो जुड़ी हुई नहीं है। आइसोलेशन का मतलब क्या होता है कि एक गैसियस एटम है, सपोज करो ये एक गैसियस एटम है, ठीक है, उसको आप बाहर से एनर्जी दोगे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, कितनी एनर्जी दोगे उसको कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। और ये जो प्रोसेस होता है इसको हम कहते हैं आयनाइजेशन। और आयनाइजेशन हमेशा जो है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमेशा आपको एनर्जी प्रोवाइड होती है, वो किसी भी फॉर्म में जो है वो मिल सकती है। तो इस केस में क्या होता है कि जब आप 10,000 वोल्ट की एनर्जी जो है वो इसको देते हो, इस कैथोड ट्यूब को देते हो या डिस्चार्ज ट्यूब को देते हो, तो उसमें क्या होता है ये जो गैसेस होते हैं इनमें इतना ज्यादा एनर्जी जो है वो आ जाती है, इतनी एनर्जी गेन करते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, आयनाइजेशन होता है। यहां से भी इलेक्ट्रॉन इमिट हो सकता है, यहां से भी हो सकता है, यहां से भी हो सकता है, और यहां से भी हो सकता है। जब इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाएंगे फिर यहां पर क्या बचेगा, यहां पर खाली पॉजिटिव बचेगा, पॉजिटिव आयन बचेगा, पॉजिटिव आयन बचेगा, और पॉजिटिव आयन, और यहां पर क्या होंगे, चार इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो प्रोड्यूस होंगे। अब चूंकि यहां पर जो है इस एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन प्रेफर करेंगे इस साइड जाना, और ये जो कैथोड रेज है ये बेसिकली बने होते हैं किससे, इलेक्ट्रॉन से। बने कैसे ये, बाई द आयनाइजेशन ऑफ गैस। अब गैस ही क्यों, इलेक्ट्रोड क्यों नहीं, वो इस वजह से बिकॉज आयनाइजेशन जो प्रोसेस होता है वो मोस्टली प्रेफर होता है किसमें, गैसियस एटम में एज कम्पेयर टू सॉलिड एटम। सॉलिड एटम में जो क्या होते हैं, जो एटम्स होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं क्लोजली हेल्ड होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है आयनाइजेशन जो है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन गैसेस में क्या होता है, वहां पर इलेक्ट्रॉन से लूजली बॉन्ड होते हैं, तो आपको कम अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है और आसानी से जो है वो आयनाइजेशन प्रोसेस हो जाता है। तो ये जो मैंने दिखाया ये क्या है, ये गैस है, क्या है, गैस पार्टिकल्स है जो इस ट्यूब के अंदर प्रेजेंट है। तो जब आप इस वोल्टेज, काफी वोल्टेज वाली जो है एनर्जी इसको प्रोवाइड करोगे, तो जो गैस के पार्टिकल होंगे उस एनर्जी को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। इतनी एनर्जी इनको मिल जाती है कि ये जो आपके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये क्या हो जाती है, टूट जाती है। आप एनर्जी दे रहे हो, यहां से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, वो इमिट हो रहे हैं, यही इलेक्ट्रॉन जो है वो इस वाली साइड जो है वो डायरेक्ट हो रहे हैं या फिर ट्रांसफर हो रहे हैं, और इसी की वजह से क्या हो रहा है, कैथोड रेज बन रही है। और इसी को हम कहते हैं कि ये जो आपके पास पहले इनका नाम जो दिया गया था नेगेट्रॉन दिया गया था बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज, बाद में जो है इसका नाम दिया गया था जॉनस्टन स्टोनी ने इलेक्ट्रॉन नाम जो है वो दिया था इसको। अब ये फंडामेंटल क्यों है, क्यों ये नेचर ऑफ गैस के ऊपर डिपेंड नहीं करता, बिकॉज जो इसका चार्ज है इसका मास है वो क्या है, वो
फिक्स 1.6 टू 10 पर माइनस 90 इसका चार्ज है और 9.1 टू 10 पर माइनस 31 केजी इसका मास है। हर एक ऐसा नहीं है कि नाइट्रोजन में जो है इसका चार्ज ज्यादा होगा इसका मास ज्यादा होगा, हाइड्रोजन में जो है वो कम होगा या ज्यादा होगा। E by M जो होगा वो चाहे आप इसके अंदर जो है वो नाइट्रोजन रखो, हीलियम रखो, कोई सी भी गैस रखो या कोई सा भी इलेक्ट्रोड रखो, वो जो है वो चेंज नहीं होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करे, इलेक्ट्रॉन का मास और चार्ज जो है वो चेंज नहीं होता। इसलिए कहते हैं दैट ये जो है ना ही डिपेंड करता है गैस के ऊपर और ना ही डिपेंड करता है इलेक्ट्रोड के ऊपर, और ये जो होता है फंडामेंटल होता है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो हर एक जो है चीज में प्रेजेंट होते हैं। सो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद बात करते हैं कि प्रोटॉन जो है वो कैसे डिस्कवर हुआ। प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी गोल्डस्टीन ने, सेम जैसा सेटअप जो है थॉमसन ने लिया था वैसा ही सेटअप इसने भी लिया, इससे भी एक डिस्चार्ज ट्यूब ली। इसने भी एक वैक्यूम पंप लिया, इसने भी कैथोड लिया, इसने भी एनोड लिया, इसने भी 10,000 वोल्ट की एनर्जी जो है वो यहाँ से पास करवाई। बट इसने क्या किया, उसने वहां पे लिया था परफोरेटेड एनोड, यहाँ पर इसने लिया परफोरेटेड कैथोड। उसने जो फ्लोरेसेंट मटेरियल है वो एनोड के पीछे डाला और इस केस में इसने क्या किया, फ्लोरेसेंट मटेरियल जो है वो कैथोड के ऊपर जो है वो डाला। ठीक है, सेम ऐसा ही किया, वैक्यूम पंप का काम यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे क्या किया, थोड़ा सा प्रेशर जो है वो ज्यादा रखा। दैट इज ये बोल सकते हैं कि गैस का जो कॉन्सेंट्रेशन है इस केस पे वो क्या है, वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू जो थॉमसन वाला एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, तो इस केस में क्या था कि जब इसने जो है वो 10,000 वोल्ट की एनर्जी यहाँ से पास करवाई तो इससे देखा कि कंटिन्यूअसली ये जो फ्लोरेसेंट मटेरियल है वो क्या हो रहा है, वो कंटिन्यूअसली स्पार्क कर रहा है। इसका ये मतलब है कि इस फ्लोरेसेंट मटेरियल के ऊपर कंटिन्यूअसली कोई चीज जो है वो स्ट्राइक कर रही है। अब चूंकि एक ऐसी चीज थी कि इस ये कैथोड के पीछे, इसका ये मतलब है कि जो चीज इसके ऊपर स्ट्राइक कर रही है वो एनोड से होते हुए जो आ रही है, क्योंकि इसको ऐसा लगा कि एनोड से कोई चीज आ रही है और वो कैथोड के ऊपर जो है वो स्ट्राइक कर रही है और इन द फॉर्म ऑफ रे जो है वो चल रही है, तो इसने उनका नाम क्या दे दिया, एनोड रे दे दिया। क्योंकि उसको लगा क्या कि एनोड से जो है वो रेज निकल रही है और कहाँ की तरफ जा रही है, कैथोड की तरफ जा रही है। इनका नाम जो है वो कैनाल रेज भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, बिकॉज कि जब ये कैथोड रेज जो है वो पास होती है या फिर स्ट्राइक करती है फ्लोरेसेंट मटेरियल, ये कैथोड जो होता है इसके अंदर क्या होते हैं रोज होते हैं, तो इनको ऐसा लगता है कि कैनाल में से जो है वो क्या कर रही है, वो पास कर रही है, इसलिए इसने नाम क्या दे दिया, कैनाल रेज जो है वो नाम दे दिया। तीसरी चीज इनको नाम दिया जाता है कलर्ड रेज भी, क्यों, क्योंकि बहुत सारे ये जो एनोड रेज सिंपल एक क्या थी वो कलर्ड थी। वो क्यों थी कलर्ड, वो पता आपको तब चलेगा जब आपको ये पता चलेगा कि एनोड रेज बेसिकली बनती कैसे है, किससे बनी होती है। तो अब इसकी अगर प्रॉपर्टीज की बात करें, प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज, पहली चीज तो ये थी इनके ऊपर जो चार्ज था वो क्या था, वो पॉजिटिव चार्ज था। कैसे पता चला पॉजिटिव चार्ज था, सिंपल सी बात है कि वो चीज जो है वो कैथोड के पीछे फ्लोरेसेंट मटेरियल के ऊपर स्ट्राइक कर रही है, क्योंकि कैथोड के ऊपर चार्ज नेगेटिव होता है, कोई चीज पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही है, नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, इसका ये मतलब है कि उसके ऊपर खुद का चार्ज क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। सेकेंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी वो क्या थी, सेम जो आपने कैथोड रे में पढ़ा वैसे यहाँ पे भी ट्रेवल इन स्ट्रेट। तीसरी चीज जो थी वो क्या थी, दैट दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी, सेम जैसे वहां पर जो है थॉमसन के एक्सपेरिमेंट में था वैसे यहाँ पर भी। चौथी चीज हमने बोला था कि वो स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होता है, यहाँ पर भी सेम चीज है कि ये भी किससे बना होता है, स्मॉल पार्टिकल से ही मिलकर बना होता है। ये भी फ्लोरेसेंट जो है, फ्लोरेसेंट जो है वो प्रोड्यूस करती है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, दे डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस taken in the discharge tube। ये difference आ गया अब cathode rays और anode rays। cathode rays जो होती है वो fundamental होती है, हर एक particle में present होता है, हर एक बोलते हैं atom में present होता है, लेकिन ये जो आपकी anode rays होती है ये fundamental नहीं होती है। और ये जो अगर आप इसके अंदर जो है वो helium gas डालोगे, hydrogen gas डालोगे, तो दोनों cases में जो anode rays की properties होंगे वो क्या होंगी, वो different होगी। उनका E upon M, ये चीज जो है ना, ये हम E by M से जो है वो देखते हैं, चार्ज अपॉन मास। उस केस में चूंकि कैथोड रेज खुद इलेक्ट्रॉन से मिलके बनी होती है, तो वहां पर चार्ज फिक्स था, मास फिक्स था, इस वजह से ऐसा नहीं है कि जो इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन में प्रेजेंट होता है और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द हीलियम, उन दोनों का मास और जो चार्ज होता है वो डिफरेंट होता है। E by M जैसा हाइड्रोजन में है वैसा ही क्या होगा, हीलियम में भी होगा फॉर इलेक्ट्रॉन्स के लिए, लेकिन यही E by M रेशियो जो होता है एनोड रेज का फॉर डिफरेंट गैसेस के लिए क्या आने लगा, वो डिफरेंट। इसका ये मतलब है कि थोड़ा बहुत ये बोला गया कि एनोड रेज आर नॉट फंडामेंटल। तो फिर एनोड रेज होती क्या है, किससे बनी होती है, हम पीछे जो है वो लेक्चर में देखा
हमने बोला इधर कैथोड रेज कैसे बनती है ड्यू टू द आयनाइजेशन ऑफ द गैस प्रेजेंट इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब व्हेन हाई पोटेंशियल इज सप्लाइड इनसाइड द डिस्चार्ज टू द डिस्चार्ज ट्यूब देयर ऑकर्स आयनाइजेशन ऑफ गैस एज अ रिजल्ट ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन्स गॉट इजेक्टेड एंड उनको क्या करता है अट्रैक्ट करता है कौन एनोड इस केस पे भी वही होगा क्योंकि गैस के अंदर प्रेजेंट है सपोज करो कि ये एक गैस पार्टिकल है ये दूसरा गैस पार्टिकल है ये थर्ड गैस पार्टिकल और ये फोर्थ गैस पार्टिकल एक इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन तीसरा इलेक्ट्रॉन चौथा इलेक्ट्रॉन ये जो चार है ना ये मैंने सपोज किया कि ये क्या है ये गैस के पार्टिकल्स या गैसियस एटम्स है जो कहां प्रेजेंट है जो इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर प्रेजेंट है जब हमने हाई पोटेंशियल जो है वो डाल दिया तो होता क्या है बेसिकली हाई पोटेंशियल की वजह से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इजेक्ट होते हैं या ये बोल सकते हैं आयनाइजेशन होती है तो जब इस एटम जो कि न्यूट्रल है इसमें जब आप हाई पोटेंशियल डालोगे तो यहां से क्या होगी इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे तो कुछ ऐसी कंडीशन जो है वो आ जाएगी इलेक्ट्रॉन्स अब चूंकि ये इलेक्ट्रॉन यही है आपकी कैथोड रे जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बोला और ये इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएंगे ये जाएंगे एनोड अगर इसने यहाँ पर भी सेम जो है वो परफोरेटेड एनोड डाला होता है इसके पीछे जो है वो फ्लोरेसेंट मटेरियल डाला होगा वो भी इस टाइम जो है वो स्पार्क प्रोड्यूस होता है बिकॉज इस केस पे क्या होता है इलेक्ट्रॉन जाते ही हैं अब यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा वो एनोड वाली साइड जाएगा क्योंकि वहां पर क्या होता है पॉजिटिव चार्ज ये क्या है ये कैथोड ठीक है अब ये जो बचा ये क्या है आपकी एनोड अब ये जो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बचा ठीक है ये ही जाता है किस वाली साइड कैथोड वाली साइड और इसी की वजह से क्या होता है फ्लोरेसेंट मटेरियल जो होता है वो कंटीन्यूअसली शाइन करता है लेकिन क्या ये जो है वो प्रोटॉन है आंसर इज नो सपोज करो कि मैंने नाइट्रोजन लिया नाइट्रोजन गैस जब मैंने यहाँ पे डाली ऐसा नहीं होता कि नाइट्रोजन में एक प्रोटॉन होता है या फिर नाइट्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है ठीक है उस वाले केस में क्या होते हैं उसमें सात इलेक्ट्रॉन होते हैं और सात प्रोटॉन होते हैं तो उस केस में क्या होता है कि एक ही इलेक्ट्रॉन जो होगा इजेक्ट होगा बाकी क्या बचेगा प्रोटॉन नहीं बचेगा बल्कि गैसियस कैटायन बचेगा ठीक है तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो एनोड रेस होती है वो किससे बनी होती है वो गैसियस कैटायन से मिलकर बनी होती है ठीक है किससे बना होता है गैसियस कैटायन ये जो है ना गैसियस कैटायन यही गैसियस कैटायन यहाँ वाली साइड जो होता है वो क्या करता है ट्रेवल करता है क्योंकि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और यही होता है एनोड रेस ठीक है और इनका जो आपके पास ई बाई एम है वो क्या होता है वो डिफरेंट होता है आपके पास नाइट्रोजन होगा ऑक्सीजन होगा और हीलियम होगा अगर मैं तीन डिफरेंट टाइप की गैसेस लूं तो उस केस में क्या होगा जो हल्की वाली गैस होगी उसका ई बाई एम जो डिफरेंट होगा जो आपके पास हैवी वाली होगी उसका ई बाई एम जो होगा वो डिफरेंट होगा तभी कहते हैं दैट एनोड रेस जो होता है वो जो होती है वो डिपेंड करती है अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल या नेचर ऑफ द गैस टेकन इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब बट अगर हम क्या करेंगे अगर इसके अंदर जो गैस लेंगे वो क्या लेंगे वो हाइड्रोजन लेंगे जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है और क्या होता है एक प्रोटॉन होता है तो उस केस में क्या होता है जब एक इलेक्ट्रॉन जो है सपोज कर जहां पे भी हाइड्रोजन ही लिया हुआ है मैंने एक एक इलेक्ट्रॉन जब यहां से इजेक्ट किया आपके पास जो रिमेनिंग कैटायन बचा गैसियस एच पॉजिटिव आयन को ही प्रोटॉन कहते हैं और यही एच पॉजिटिव आयन जो होता है वो क्या होता है वो फंडामेंटल होता है इसका मतलब एनोड रेस जो होती है वो क्या होती है वो गैसियस कैटायन होता है लेकिन प्रोटॉन की डिस्कवरी कब हुई जब इसके अंदर हाइड्रोजन गैस डालते हो जब उसमें से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है जो रिमेनिंग आपके पास गैसियस कैटायन है जो ऑटोमेटिकली एक प्रोटॉन है उस वजह से क्या होता है वहीं से जो है वो प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई और बाद में ये बोला गया कि यही प्रोटॉन का नंबर जो होता है बाकी सारे मटेरियल में जो होता है वो क्या होता है डिफरेंट होता है इसी वजह से क्या होता है जो एनोड रेज होती है वो मटेरियल के ऊपर जो है वो डिपेंड करती है दिस इज ऑल अबाउट एनोड रेज सो नेक्स्ट इज डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय चैडविक तो इसके एक्सपेरिमेंटल सेटअप में क्या था इसने एक लेड का ब्लॉक लिया था ठीक है अच्छा सबसे पहली बात तो न्यूट्रॉन डिस्कवर होना है न्यूट्रॉन का आइडिया कहाँ से आया इसकी डिस्कवरी से पहले 90s में जो है वो हुआ था इसकी डिस्कवरी से पहले इलेक्ट्रॉन भी डिस्कवर हो चुका था प्रोटॉन भी डिस्कवर हो चुका था सो एक एटम में जो है ये था कि मास ऑफ एटम ये होना चाहिए था मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन क्योंकि एटम में दो चीजें डिस्कवर हो गई थी तो ये मान के चला था उन्होंने कि एटम का जो मास है वो दोनों के सम के बराबर होना चाहिए लेकिन मास ऑफ एटम जो है वो ज्यादा आ रहा था एज कम्पेयर टू सम ऑफ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इसका ये मतलब था कि उस एटम के अंदर जो है कोई दूसरी तीसरी चीज भी प्रेजेंट है और इन तीनों का सम जो है इनके मासेस का सम जो है वो मास ऑफ एटम के बराबर
यहाँ से जो है वो क्या हुआ था, एक आइडिया सा इनको मिल गया था दैट जो एटम है उसके अंदर जो है कोई तीसरी चीज भी जो है वो प्रेजेंट होनी चाहिए, तभी जाके जो है वो मास ऑफ एटम जो है वो उसके इक्विवेलेंट आ जाता है। तो इसमें क्या किया, चैडविक ने जो है वो लेड का ब्लॉक लिया, ठीक है, इसके अंदर जो है वो पोलोनियम जो है वो एलिमेंट जो है वो डाल दिया। जो पोलोनियम एलिमेंट होता है वो क्या होता है, वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है और हीलियम रेस को जो है वो कंटिन्यूअसली एमिट करता है, हीलियम न्यूक्लियस को या फिर हम बोल सकते हैं अल्फा रेस को एमिट करता है, ठीक है। और बीच में क्या डाल दिया, बेरियम का एलिमेंट डाल दिया। जब पोलोनियम जो है वो क्या करता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, कॉन्टिन्यूसली जो है वो हीलियम रेस को जो है या फिर हम बोलते हैं अल्फा रेस को जब इमिट करता है बेरियम के ऊपर जब स्ट्राइक करता है कुछ ऐसी रिएक्शन होती है, बेरियम 4-9 का एटॉमिक नंबर, 9 का एटॉमिक मास प्लस हीलियम, हीलियम का मतलब ये जो अल्फा रेस के ऊपर आई है 2-4 इट गिव्स कार्बन 12 प्लस, ये रिएक्शन हुई। इसका मतलब बेरियम से क्या बना था, कार्बन बना था प्लस क्या बना, न्यूट्रॉन बना। इसके पहले जो है जब यहाँ से न्यूट्रॉन इमिट होने लगा ये पैरेट इसके अंदर जो है वो नहीं डाला गया था, सिंपल डिटेक्टर था और डिटेक्टर जो था खाली या तो पॉजिटिव चार्ज को डिटेक्ट करता था या तो नेगेटिव चार्ज को डिटेक्ट करता था। लेकिन इस केस में क्या हुआ, ये न्यूट्रॉन के ऊपर चूंकि कोई भी चार्ज होता नहीं है तो ये जो डिटेक्टर था ये जो है वो कोई भी चीज जो है डिटेक्ट नहीं कर रहा था उस टाइम। तो ये ऐसा हुआ कि इसको बोला गया कि हो सकता है कि ये गामा रे, क्योंकि गामा रेस के ऊपर भी जो है वो कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो उस टाइम पे जो है उन्होंने ये बोला कि हो सकता है कि ये जो यहाँ पर चीज न्यूट्रल चीज आ रही है जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है ये गामा रेस हो सकती है। इस चीज को कंफर्म करने के लिए इन्होंने क्या डाल दिया, बीच में पैराफिन जो है वो डाल दिया। जब पैराफिन होता है सिंपल क्या होता है, हाइड्रोकार्बोसाइड रिच इन प्रोटॉन्स हम पूछते हैं एल पॉजिटिव आयन। लेकिन ये जो गामा रेज होती है क्या करती है, जब पैराफिन के अंदर जो है ये डालते हैं पैराफिन को सामने रखोगे गामा रेज को डालोगे तो ये गामा रेज के अंदर जो होती है वो एब्जॉर्ब होती है। लेकिन जब ये पैराफिन इसके अंदर जो है वो डाला गया, बीच में डाला गया, तो ये जो डिटेक्टर है इसने डिटेक्ट किया कि ये जो चीज आगे आ रही है वो क्या आ रही है, पॉजिटिव चार्ज आ रही है। इसका मतलब हम बोलते हैं प्रोटॉन जो है वो आ रहा है, प्रोटॉन ये चीज जो है उस टाइम डिस्कवर हुई थी पॉजिटिव चार्ज एटम में, तो इन्होंने बोला कि प्रोटॉन जो है वो आ रहा है। ये पैराफिन में जो है इट इज विच इन एच दैट मीन्स प्रोटॉन, और कोई पीछे वाली चीज है जब हमने ये नहीं डाला था तो सिंपल ये जब इसके अंदर वो स्ट्राइक कर रहा था तो ये चीज जो है वो डिटेक्ट नहीं कर रही थी। इसका मतलब कि जो पीछे से चीज आ रही है वो क्या है, कोई न्यूट्रल चीज है। बोला गया कि गामा रेज है वो नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि पैराफिन जो इसको एब्जॉर्ब नहीं करने लगा जब पैराफिन डाला गया, तो अब ये जो डिटेक्ट कर रहा है कि कोई जो चीज आगे आ रही है वो क्या है, प्रोटॉन है। इसका मतलब कि पीछे से एक चीज आ रही है वो स्ट्राइक कर रही है पैराफिन के ऊपर और पैराफिन के ऊपर जो प्रोटॉन्स है उनको जो है वो इमिट कर रही है। अब वो जो पीछे वाली चीज आ रही है वो नेगेटिव नहीं हो सकती है, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, वो जो है वो एच पॉजिटिव आयन को जो है वो नहीं निकाल सकता है। दूसरी चीज जो पीछे वाली जो ये रेज आ रही है वो जो है पॉजिटिव भी नहीं हो सकती है, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, तो यहाँ से प्रोटॉन जो है वो इमिट नहीं हो सकता है। पीछे वाली जो चीज है वो वही वाली हो सकती है, उसका मास कंपेरेबल होगा प्रोटॉन से, दूसरी चीज उसका मास पॉजिटिव भी नहीं होगा बल्कि क्या होगा, न्यूट्रल होगा। तो यहीं से क्या हो गया कि बोला गया कि एटम में जो है वो तीसरी चीज होगी जिसका मास जो है वो समवट कंपेरेबल होता है एग्जैक्ट प्रोटॉन, और यही चीज जो है यही न्यूट्रॉन जो होता है ये क्या करता है, जब इस पैराफिन के ऊपर स्ट्राइक करता है इसी पैराफिन के एच पॉजिटिव आयन को क्या करता है, वो वहां से इमिट करता है, ठीक है। और यही जो एच पॉजिटिव आयन, यही जो डिटेक्टर डिटेक्टर है वो क्या होते हैं, बेसिकली प्रोटॉन्स होते हैं। और यहां से क्या हुआ कि जो है वो डिस्कवर हुआ दैट इज न्यूट्रॉन। एटम के स्ट्रक्चर को डिस्कस करने के लिए जो पहला मॉडल आया था वो आया था थॉमसन मॉडल, ठीक है। थॉमसन मॉडल में आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, इससे क्या कहा था दैट एटम इज अ पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट, एटम इज इलेक्ट्रिकली सिंपल, इसको क्या कहते हैं, प्लग पडिंग मॉडल भी कहते हैं। जिस तरह से वाटरमेलन होता है, वाटरमेलन का जो रेड पोर्शन होता है उसको इसने नाम दे दिया कि वो एज अ पॉजिटिव पार्ट है, और वहां पर जो सीड्स होते हैं उनको बोला कि वो क्या है, वो इलेक्ट्रॉन्स है। सिंपल इसे क्या कहा कि जो पूरा का पूरा एटम हो गया वो पॉजिटिव स्पेस है, मतलब पूरा जो एटम होता है वो होता ही पॉजिटिव चार्ज है, और उसके अंदर कई कई जगह पे क्या होगा, वो नेगेटिव चार्ज होंगे वो प्रेजेंट होंगे, और जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज भी होगा, दैट इज एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। बस इतने से पॉइंट जो है वो थॉमसन ने बोले थे। सो नेक्स्ट है रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट की वजह से ही थॉमसन जो मॉडल है पूरा का पूरा क्या हो गया था, फेल हो गया था।
उससे क्या होता था, एटम इज अ होल इज अ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, वो स्फीयर पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन यहां से क्या हो गया कि इस एक्सपेरिमेंट से न्यूक्लियस की डिस्कवरी हो गई, और ये बोला गया दैट जो पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज है इनसाइड द एटम वो कंसंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल स्पेस, और उस स्पेस को नाम दिया गया न्यूक्लियस। तो हुआ ऐसा कि जो रदरफोर्ड है उन्होंने क्या लिया कि उन्होंने एक लेड ब्लॉक लिया, उसके अंदर क्या डाल दिया, कोई भी अल्फा एमिटिंग पार्टिकल जो है वो डाल दिया, ठीक है। उसके सामने क्या रख दिया, एक गोल्ड फॉयल रख दी, बिल्कुल पतली सी गोल्ड फॉयल रखी होगी। गोल्ड जो होता है काफी मैलेबल एलिमेंट होता है, ठीक है, इस वजह से यहाँ पर जो है इसकी एक पतली शीट में जो है वो बहुत कम नंबर ऑफ एटम जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये वाला एक्सपेरिमेंट जो है वो उस गोल्ड फॉयल के ऊपर परफॉर्म करना थोड़ा सा आसान हो गया, इसीलिए यहाँ पर जो है वो गोल्ड फॉयल जो है वो रखी गई। लेकिन मैंने गोल्ड फॉयल नहीं लिया, मैंने गोल्ड एटम लिया, एक एटम के ऊपर जो है वो बोला गया, और सामने क्या रखा गया, डिटेक्टर जो है वो रखा गया। तो हुआ ऐसे कि जब यहाँ से अल्फा इमिटिंग पार्टिकल जो है वो अल्फा रेज को जो है वो इमिट करने लगा, जब वो इस गोल्ड फॉयल के एटम के ऊपर जो है वो स्ट्राइक करने लगा, तो कुछ कुछ जो है वहां पर क्या हुई ऑब्जर्वेशन जो है वो आई। ऐसा हुआ कि वो बहुत सारी जो मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज जो है वो दे ट्रेवल अनडिफ्लेक्टेड, ठीक है, जैसे जो है वो आ रही थी, जिस पास से आ रही थी उसी पास के ऊपर जो है वो डिटेक्टर के ऊपर जो है वो टकराने लगी। इसका ये मतलब है कि बहुत सारी जो स्पेस है इनसाइड द एटम वो क्या है, वो एम्प्टी है, इज एम्प्टी। क्यों? क्योंकि जैसे वो आ रही थी अल्फा रेज वैसे जो है वो क्या हो रही है, आगे जो है वो डिटेक्टर के ऊपर स्ट्राइक कर रही है। बहुत ही कम जो है वो क्या हो रही, दे आर डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल्स, हम बोल सकते हैं। जैसे मैंने ये वाली दिखाई और ये वाली दिखाई, ये सामने बीच वाला जो है आज सभी को पता है दैट जो एटम होता है उसके बीचों बीच क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज बॉडी होती है। तो जो हीलियम पार्टिकल होते हैं या जो अल्फा रेज होता है वो क्या होता है, वो हीलियम का न्यूक्लियस होता है, ठीक है, हीलियम का न्यूक्लियस होता है। इसका ये मतलब है कि वो क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। अब ये भी पॉजिटिव चार्ज है और एटम के अंदर वो जो न्यूक्लियस है वो भी क्या है, वो पॉजिटिव चार्ज। तो इन दोनों के बीच में क्या होती है, रिपल्शन होती है, जिसकी वजह से जिस पास से ऐसे है कि इस पास से आई है तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं अगर न्यूक्लियस नहीं होता तो ऐसे जाती है, लेकिन जो कि न्यूक्लियस भी पॉजिटिव चार्ज है और हीलियम के हीलियम न्यूक्लियस के बीच में क्या होती है, रिपल्शन होती है, ये क्या हो जाती है, ये रिफ्लेक्ट हो जाती है। और जो हीलियम रेज या फिर जो अल्फा पार्टिकल जो है वो बिल्कुल बीचों बीच इस न्यूक्लियस के साथ स्ट्राइक कर रही है, वो जिस पास से आई थी उसी पास से क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट बैक भी हो रही है। इसका ये मतलब है कि थॉमसन मॉडल यहीं पे फेल हो गया, उसे कहा था कि पूरा का पूरा जो एटम है वो क्या है, वो पॉजिटिव स्फीयर है। इसका मतलब अगर एटम पूरा पॉजिटिव स्फीयर होता तो हर जगह से जो है वो डिफ्लेक्शन हो रही थी, यहाँ से भी डिफ्लेक्शन, यहाँ से भी डिफ्लेक्शन, यहाँ से भी, ऐसे कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं होना चाहिए था जहाँ से जो है वो डिफ्लेक्शन होती। लेकिन चूंकि यहाँ पर जो है वो खाली बीच वाला जो आपका रीजन है वही डिफ्लेक्शन शो कर रहा है ड्यू टू द रिपल्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द अल्फा रेज, तो यहाँ से ये बोला गया दैट एटम जो है वो पॉजिटिव चार्ज स्फीयर नहीं है, बल्कि जो एटम है उसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है इन अ वेरी स्मॉल स्पेस एट द सेंटर ऑफ द एटम, और उस वाले रीजन को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। और यहीं से जो है न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई, और इसी वाले अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से रदरफोर्ड ने अपना एक मॉडल दिया जिसको हम कहते हैं रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम और न्यूक्लियर एटॉमिक। सो नेक्स्ट इज रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से क्या हो गया कि रदरफोर्ड ने अपना एक एटम का मॉडल दिया जिसको कहते हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, और इसको हम न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल भी कहते हैं। फर्स्ट पॉसिबिलिटी उसने बोला, वो ये बोला दैट मोस्ट ऑफ द पोर्शन इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। अब चूंकि मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज जो है वो अनडेविएटेड जो है वो जा रही थी सीधा डिटेक्टर के ऊपर हिट कर रही थी, इसका ये मतलब है कि एटम के ऊपर जो है मोस्ट ऑफ द स्पेस जो है वो क्या है, वो खाली है, क्योंकि हीलियम जो पार्टिकल्स हैं या जो अल्फा रेज है उनको जो है वो कोई भी ऑब्स्टेकल जो है वो उनका सामना जो है वो नहीं करना पड़ रहा है। इसका मतलब दैट एटम में जो है मोस्ट ऑफ द पोर्शन क्या होता है, वो खाली होता है। सेकेंड जो बोला इसे, वो क्या बोला, द पॉजिटिव पार्ट रिजाइड्स इन अ वेरी स्मॉल पोर्शन, हम लिख सकते हैं या फिर रीजन लिखो, इन अ वेरी स्मॉल रीजन इन साइड द एटम। जो पॉजिटिव पार्ट है दैट इज न्यूक्लियस, वो बहुत ही छोटी सी जगह में होता है, सेंटर ऑफ द एटम जो होता है वहां पर छोटी सी जगह होती है, उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। और ये जो पॉजिटिव पार्ट है ये क्या होता है, वो हैवी होता है। इनफैक्ट
जो आपका एटम होता है उसका जो जितना भी मास होता है वो पूरा का पूरा जो होता है कॉन्सेंट्रेटेड होता है एट अ वेरी स्मॉल पोर्शन, और उसी पोर्शन को क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। चौथा इसमें क्या था, दैट जो नंबर ऑफ पॉजिटिव पोर्शन इज इक्वल, ये हम बोल सकते हो दैट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ दैट एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली। नेक्स्ट जो इससे बोला वो ये बोला जो साइज ऑफ न्यूक्लियस है वो बहुत ही छोटा था एज कंपेयर टू साइज ऑफ एटम। जो साइज ऑफ न्यूक्लियस है वो अप्रोक्सीमेटली है 10^-15 मीटर, और जो साइज ऑफ एटम है वो अप्रोक्सीमेटली 10^-10। ये कुछ पोस्टुलेट्स जो रदरफोर्ड ने बोले थे, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस भी। सो नेक्स्ट इज ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। दो बेसिक ड्रॉबैक्स थी रदरफोर्ड मॉडल की, एक तो ये थी दैट इट डिड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। ये कैसे था, सपोज इसमें क्या था, अगर अभी तो हम लोग पता है दैट एटम के अंदर क्या होते हैं, शेल्स होते हैं। सपोज हम बोले KLMN जो भी है, ठीक। जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से बाहर जाते हैं तो एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है। K शेल की एनर्जी कम है, L की ज्यादा है, M की ज्यादा है, और जो N है उसकी जो एनर्जी होती है वो सबसे ज्यादा होती है। सो बेसिकली कहने का खाली इतना मतलब है कि जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं तो जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, वो इंक्रीज होती है। अब इस केस में क्या है, इसने रदरफोर्ड ने कोई भी ऐसा एक्सप्लेनेशन नहीं दी। इसने बोला कि अगर यहाँ पे जो है वो न्यूक्लियस है तो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो क्या होगा, वो कहीं पे भी जो है वो प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। कुछ भी पर्टिकुलर नहीं बोला कि पर्टिकुलर जगह पे ही होगा। सपोज करते हैं कि यहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट है। अब उस टाइम पे क्या था, एक थ्योरी थी मैक्सवेल थ्योरी। ये थ्योरी कहती है कि जब अगर एक चार्ज बॉडी जो है दूसरी चार्ज बॉडी के सराउंडिंग जो है वो अगर चल रही होती है तो चार्ज बॉडी जो होती है कंटिन्यूअसली इमिट करती है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन जो है इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो है वो घूमता है तो ये भी चार्ज बॉडी, ये भी चार्ज बॉडी, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी को इमिट करना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। और ऑटोमेटिकली क्या होना चाहिए, जब एनर्जी को जो है ये इमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन तो इसकी जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, ऑटोमेटिकली कम होगी। सपोज कर दिए कि इस टाइम पे अगर इसकी एनर्जी में जो भी होगी, सपोज करते हैं कि 1000 है, इसे कुछ टाइम के बाद एनर्जी जो है वो लूज करे, सपोज करते हैं जब एनर्जी लूज करेगा जाहिर सी बात है न्यूक्लियस से करीब आएगा। कि स्टार्ट में मैंने आपको बोला कि जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से जो है वो दूर जाते हैं जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, वो ज्यादा होती है। जैसे जैसे नजदीक आएगा अगर एनर्जी को इमिट कर रहा है दैट मीन एनर्जी कम हो रही है, इसका ये मतलब है कि न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से क्या आ रहा है करीब आ रहा है। तो ऑटोमेटिकली कुछ ऐसा होगा कि अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है ये स्पाइरल पाथ फॉलो करेगा और अल्टीमेटली ये क्या करना चाहिए, फॉल करना चाहिए इनसाइड द न्यूक्लियस। हम ये बोल सकते हैं कि एटम जो है वो कोलैप्स हो जाएगा, लेकिन एटम जो है वो कोलैप्स होता नहीं है। सो ये जो है रदरफोर्ड का जो है मेन ड्रॉबैक रहा था कि ये स्टेबिलिटी ऑफ एटम को जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सेकेंड जो इसकी मेन ड्रॉबैक थी वो क्या थी, इट कैन नॉट एक्सप्लेन द डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा, इसको हम लाइन स्पेक्ट्रा भी कहते हैं। ये डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा क्या होता है, सपोज करते हैं कि आपके पास जो है वो कोई भी चीज, सपोज करते हैं कि मैंने यहाँ पर जो है वो हाइड्रोजन गैस ली है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ से व्हाइट लाइट जो है वो पास कर रहा है, आगे मेरे पास जो है वो कुछ कलर जो है वो मिसिंग। सपोज करते हैं कि मेरे पास रेड मिसिंग था या वायलेट मिसिंग था, कुछ ही कलर जो होते हैं वो क्या होते हैं, अपीयर होते हैं, कुछ कलर जो होते हैं वो मिसिंग होते हैं। वो कलर मिसिंग क्यों है, वो कहाँ गए, किसने एब्जॉर्ब किए, ये कोई भी जो है एक्सप्लेनेशन जो है रदरफोर्ड नहीं मिलता तो दे पाया। तो ये जो है मेजर ड्रॉबैक्स थी रदरफोर्ड की। इसके बाद एक मॉडल आया, वो मॉडल हम नेक्स्ट चैप्टर में जो है नेक्स्ट